नमस्कार, आज मैं एक नमकीन रेसिपी बना रही हूँ जो कि आप शाम को खा सकते हैं या फिर किसी भी त्यौहार में भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो यहाँ पे मैंने एक प्रीमिस पाउडर लिया है, तो इसका बनाने का तरीका, ए बी पाउडर जो है मैंने घर में बनाया है, इसी पाउडर से मैंने ये नमकीन बनाया है। तो ये मैं 2 कप ले रही हूँ। तो इस पाउडर का जो प्रीमिक्स बनाना, कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो लास्ट में मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है घी 1 चम्मच, और इसको इसमें हम मिलाएंगे अजवाइन 1 चम्मच, और नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर, आप ज़्यादा तीखा खाना चाहे तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने 1/2 चम्मच डाला है। तो इन सभी को हम एक पाउडर को मिक्स कर लेंगे, जैसे घी के साथ, सारे मसाले के साथ, जैसे नमक, अजवाइन और लाल मिर्च के साथ मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैं मिक्स कर चुकी हूँ, और जैसे आप ऐसे मुट्ठी बंद है तो इस तरीके से आपको मिलाना है। तो अभी जो है हम इसमें पानी मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, और एक हार्ड डो बनाना है। इसका जो डो बनता है बहुत सॉफ्ट नहीं बनता। तो छोटे वाले में अगर मुश्किल हो रहा है आपको इसको गूंथने के लिए, तो एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, और थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालें ताकि ये चावल का आटा जो है सूखा हुआ है, इसमें चावल का आटा भी मैंने इस्तेमाल किया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालें और ऐसे गूंथ लें। थोड़ा हार्ड होना चाहिए, मतलब बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए इसका डो। तो अभी रेडी है डो, हमारा रेडी है। अभी मैं एक मशीन लूँगी, इसी से मैं बनाऊँगी नमकीन। तो इसमें हम अच्छे से थोड़ा सा तेल लेके अंदर से ग्रीस कर लेंगे। तो ऐसे करने से जो बैटर, इसका जो डो है, नहीं चिपकेगा। और ऐसे बड़ा वाला जाली में मैं बना रही हूँ। मैं 2 तरह की नमकीन बनाई हूँ, तो एक स्टार शेप में और एक ए वाला शेप में। तो आप सेव जैसे बना सकते हैं। तो इसमें हम ऐसे फिक्स कर लेंगे। तो अभी हमारा मशीन जो है रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें डाल देंगे जो हमारा डो बना है। तो अच्छे से इसको प्रेस करते हुए डालना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ऐसे प्रेस करते हुए डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं डालेंगे तो अब जब भी बनाएंगे नमकीन तो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको अच्छे से सेट कर लीजिए, उसके बाद ऊपर का जो ढक्कन है इसको लगा देंगे। इसमें भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करना है। ताकि यहाँ पे भी ना चिपके। तो इसको अच्छे से बंद कर लेंगे, ढक्कन लगा के। अभी हमारा सेव बनाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, और चेक करते हैं अभी हमारा तेल गरम हो चुका है नहीं। तेल हमारा 5 मिनट हो चुका है, तो गरम हो चुका है ऑलरेडी। तो एक बार गरम होने के बाद तेल को, जो गैस का जो फ्लेम है, इसको मीडियम रखें। अभी हम इसमें डालेंगे सेव। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी आपको, कि मैं जो कढ़ाई ले रही हूँ ये फ्लैट वाला कढ़ाई है। आप चाहे तो जैसे गहरा वाला कढ़ाई मिलता है उसी कढ़ाई में बनाएं, ताकि ये अच्छे से पकता है और पलटने के लिए आसान हो जाता है। तो इसमें थोड़ा पलटने के लिए मुश्किल होता है। तो एक बार 2 से 3 मिनट पकने के बाद इसको पलट लें। अभी दोनों तरफ से क्रिस्पी होने के लिए छोड़ दीजिए। तो अभी गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रखें। तो ऐसे चलाते हुए थोड़ा थोड़ा कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे क्रिस्पी हो जाएगा।
तो उसके बाद तुरंत आपको निकालना है वरना जल जाएगा ये। और निकालने के टाइम आप गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं या फिर पूरी तरह से स्लो कर सकते हैं। तो इसी तरह से जितना भी है हम बना लेंगे। तो ये नमकीन जो है बहुत क्रिस्पी होती है और आप चाहे तो हर रोज़ खाने के लिए शाम के नाश्ते में खा सकते हैं इसको, या फिर कोई त्यौहार वगैरह में भी बना सकते हैं। ये देखिए ये भी क्रिस्पी हो चुका है और मैं निकाल रही हूँ। और ये मशीन से जुड़ी हुई मैं एक टिप्स आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप पैसे प्रेस करते हैं तो ये अपने आप निकल जाता है जब तेल में छानने के बाद भी, तो इसको क्या करें उल्टा घुमा लें तो ये और बाहर नहीं निकलेगा। और ऐसे फिक्स करने के बाद कपड़े से पोंछ लीजिए, ये भी निकलता नहीं है। तो इसको क्या करें थोड़ा ज़ोर से ऐसे एक बार ऐसे ये कर देने से निकल जाता है, क्योंकि इसमें एयर रह जाता है। तो जब भी मशीन इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही आप कर सकते हैं। और ये देखिए मैं दोनों शेप में बनाया है मैंने, ये वाला जो है ये वाला शेप ऐसे शेप में और इधर का जो है ये स्टार शेप में, तो दोनों में से कोई भी शेप में आप बना सकते हैं। तो इसका प्रीमिक्स पाउडर जो है मैंने इस्तेमाल किया है, तो इसको कैसे बनाते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। इस प्रीमिक्स पाउडर से आप डोसा वगैरह और बना सकते हैं और एक महीने तक स्टोर करके नमकीन डोसा कुछ भी बना सकते हैं।